शांति परमा भाई भूता लग है लगो है तारा द्वारा बालो भाइयों बछेड़ा के लिए छोड़ देता है और विष्णु भगवान की कचहरी लगी हुई है। ऋषि नारद जी महाराज हैं, इंद्र महाराज हैं, 33 कोटि देवता है, जाकर के आज भगवान के सभा में पहुंच जाता है। जय गोपाल की महाराज। चरणजीव रहो। अरे भाई श्री राजनल जी आप आ गए। मैंने वादा किया आने का, मेरे आने की मजबूरी थी महाराज। देखो मैंने तुमसे कहा घमंडी आपके लिए शीश नवाया, इसने मुझे शीश नहीं नवाया है। इंद्रदेव तुम्हारी भूल है। क्यों? इसने मेरे लिए नहीं नवाया शीश, और इसने मेरी गर्दी के लिए शीश नवाया। गर्दी के लिए? चलो कोई बात नहीं, पूछो तुम्हारा इंद्र का क्या फैसला है। हाँ भाई श्री राजानल एक बात बताओ। क्या महाराज? मैंने आपको क्यों बुलवाया है? अब आप काम बताएंगे क्यों बुलवाया है मुझे। एक क्या बात बताओ, तुम्हारा और इंद्र का क्या झगड़ा है? हमारा कोई झगड़ा नहीं है महाराज। देखिए वो तुम्हारे यहाँ देवलोक में रहते हैं, मैं मंजलोक में रहता हूँ, देखिए कितना अंतर है महाराज। झगड़ा कैसे हो जाएगा? नहीं है। क्या है? इंद्रदेव तो कहते हैं कि नल से मेरा झगड़ा है। हमारा महाराज कोई झगड़ा नहीं है, अगर उनके नॉलेज में झगड़ा है तो वो महाराज आप मैदान में करिए। देखिए इंद्रदेव कहते हैं कि रानी मोतनी हमारी मंगेतर थी। अच्छा आप उसको भी ब्याह करके ले गए। ठीक है, जबरदस्ती। ठीक है। और रानी दहमंती है जो राजा भीम की लड़की है। अच्छा वो कहते हैं हमारी मंगेतर थी और श्री राजानल जबरिया ब्याह के ले गया। महाराज देखिए तो वो ये कहते हैं या तो हमें दहमती दिलाओ ना अपना इंद्रासन संभालो। अच्छा तो महाराज एक बात है। हाँ। वो आपके नौकर हैं, आपके गुलाम हैं। हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं। तुम्हें इंद्र से लाड़ है, प्यार है, हित है तो महाराज अपनी लक्ष्मी जी को दे दीजिए। ये बता पाजी इंद्र को बेगा कहाँ रह पाएगा? जहाँ हमारा ये कदम ठहर जाएगा श्री नारायण वहीं रहेगा। सोच ले समझ ले कुछ घड़ी का फेर है, सोच ले समझ ले कुछ घड़ी का फेर है, पाप का घड़ा भर चुका फूटने की देर है। सोला है हम, सोला है सारे जान में हमारे नाम का और क्षत्रियों के छक्का छूटते हैं श्री राजा के। आप कहते थे आप तेज मत बोलना, ये को क्या कहता लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो इंद्रदेव, लक्ष्मी दे दो ना इंद्रदेव। तुम्हारी कल मारी गई। क्यों? हाँ कल की अकल। हाँ कल। देखो बताओ एक बात बताओ, आप कितनी गरमाई से बोल रहे हैं। अगर इतनी गरमाई से वो बोले हाँ तो झगड़ा हो ही जाएगा। अरे तो गरमाई की बात नहीं थी, आपसे कहा लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो। हाँ कही गुस्सा में ऐसे कही जाते हैं। अच्छा हाँ, तो ठीक लक्ष्मी को थोड़ी दे दूंगा। अरे तो ठीक है आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए तो दो हाथ हो जाने दो। बात सुनो इंद्रदेव, आप भी अपनी शांति रूप से बात करिए, जो भी बात करनी है वो खाल में बात करो, बाहर नहीं। और क्यों? यहाँ दशहरा है,
यहाँ घोड़ों की घुड़सार नहीं महाराज, यहाँ देवताओं का स्थान है। मैं मानता हूँ फैसला होगा बात के द्वारा। एक बात सुनो, झगड़ा नहीं होगा। जरा जोड़ी पे आदमी मारा जाता है उस बात का ध्यान रखना, है नहीं है नल? आप ये कहते हो मेरे नाम से छत्रियों को छक्के छूटते हैं। हाँ हकीकत है इस बात की। लड़ोगे? लड़ोगे? कमजोर कौन है? अच्छा तो ठीक है। हाँ मास्टर जी, हम तो ज्यादा चाँद रहा। अरे लड़ने को तैयार हुआ तू? इन्हें समझाओ महाराज, तू ना कहे। अरे हमारी जिद है तू पे। लड़ने को तैयार हुआ तू? लड़ने की खास तमीज नहीं, मैंने बड़ों बड़ों को मार दिया, फिर तू तो कोई चीज नहीं। पीछे इंसान मारा जाता है, मारा जाता है। क्या मैं मारा जाऊं या तू मारा जाए? जब तक मेरी भुजों में ताकत रहेगी तब तक रानी दैमयती के लिए कदाप नहीं दे सकता हूँ। अच्छा तुम क्या आज से 10 इंद्र आ जाएं और रानी दैमयती को मैं दे दूंगा। और सुनो जरा, हाँ कहो मास्टर,
दुश्मना भुचुका अरे भरा पाम इधर आओ। मेरे बात समझ में नहीं आती है। बताओ। बतावे क्या? या लड़ने के लिए हम बहुत तैयार हैं, लड़ने को आए हैं और जाके ताकत से कम हमारी ताकत ना है और ना हमारा शरीर कम है, मगर जा बताओ जाके गुस्सा को देख सितरी मुड़ सुना कहीं गुस्सा हमारी क्यों भाग जाती है। अब आएगा लेने पे आइए लेने पे। सो बात बताओ इंद्र महाराज, तुम्हारी भूल है। कैसी? ये लौंडा कड़ुए मिजाज है। अरे कोई बात फिर कही। हाँ सुनो, ये कड़ुए मिजाज लौंडा हमारे तुम्हारे वंश का ही है। जिस वक्त इसका जन्म हुआ था मालूम है आपको? आप भूल चुके हैं इंद्र महाराज। सल्टी बन में। हाँ हाँ हाँ, तुम आज 33 करोड़ देवता गए थे। हाँ गए थे। और आपका हम भी गए थे। इंद्र खड़ा भी गया हुआ। हाँ गए थे। किसी ने कुछ दिया, नारद जी ने अपनी पोती दे दी। किसी ने आपने कुछ दे दिया, पता है आपने क्या दिया? आपने अपनी परियों का नाच करवाया, खुशी में आकर के श्री राजन के लिए अपना उसी दिन आधा बल दे दिया। ठहर जा महाराज, आप लड़के पेश ले जाओगे? इस बात को मैं भूल रहा था, मुझे नहीं पता था। हाँ वही तो बात है ना, ये मैंने अपना आधा बल दे दिया, उसी बल से ये लड़ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, इधर आओ। अब इसे ये कहो मैं लड़े पेश नहीं पाऊंगा, इसे ये कहो कि दो बाण है। हम बता रहे हैं, कह दिया इंद्रा से नहीं, यहाँ दसरा है भगवान की, यहाँ कचहरी है, यहाँ लड़ने का कोई काम नहीं। चार बाड़ने के चक्कर में तो ये हमारे तारे फट जाएंगे। महाराज वो कौन से बाण है, हमें समझाया तो जाए जरा। दो शर्तें हैं। ये ऐसे ना कहो शर्तें, क्या शर्तें हैं? शर्तें ये हैं कि तो रानी दमयंती दे दो, शुद्ध बात है, ठहरो। और नहीं अगर देने के लिए मंजूर हो तो दो शर्तें ये हैं कि 12 घर की बरसा लो और कह 12 साल का सूखा लो। अच्छा, कहने का ये मतलब है? ये मतलब है। ठीक है, मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है बताओ। मेरे वालो भाइयों, श्री राजा ने थोड़ा सा समय समझ करके 12 घड़ी का वर्षा का विचार लगा लेता है। कहने लगा मेरा 12 मंजिला किला बना हुआ है, एक एक घड़ी पर एक एक पमर किला की अगर भूल जाएगी जमीन में बच जाऊंगा। देखिए महाराज, मेरे लिए आप 12 घड़ी की वर्षा लिखवा दीजिए। पक्का? भाई 12 घड़ी की बारिश लेने को ये मंजूर है? हाँ हेलो, ये 50 रुपया हमारे भाई साहब डॉक्टर नथुलाल साहब ही कृष्ण वाले ये परमदेव खेत में 50 रुपया मुस्का करते हैं, मैं हाथ जोड़ नमस्कार करता हूँ।
महाराज मुझे बारह घड़ी की वर्षा आप लिखवा दीजिए। इससे कौन बारिश नहीं होगी? बारिश क्यों होगी? अरे महाराज बारिश क्यों होगी? चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं 12 साल की यानी औखा नहीं, आपके लिए 12 घर की बरसात लिख रहा हूँ। अरे बरसात आप लिखवा दीजिए महाराज। चलो आप 12 लिख दीजिए। आपको 12 घड़ी की बारिश हमने आपको दी। मेहरबान।